हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी का आपके अपनी परिवार मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जीव विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर करना अगर आपको पसंद आता है तो, और पसंद आकर ही रहेगा क्योंकि मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आप मजबूर हो जाओगे लाइक करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। कमेंट करके अपनी रिव्यू जरूर देना, बताना कि सर कैसा लगा वीडियो। और चले चलते हैं हम इस वीडियो की ओर। आज मैं आपको बताऊंगा स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र, मानव बॉडी में किस प्रकार की कौन सी हड्डी होती है, उस हड्डी का फंक्शन क्या होता है। ये वीडियो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके दो पार्ट लेके आऊँगा। मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन बचा रह जाएगा जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। सबसे पहले तो आप लाइक जरूर करना यदि आपको ये पार्ट पसंद आता है तो। आप लोगों को मालूम होगा कि जो कंकाल होता है, कंकाल तंत्र है ना, जो स्केलेटन सिस्टम होता है मानव शरीर का, इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंकाल होता है वो किसी भी जीव जंतु को क्या करता है, किसी भी जीव जंतुओं को आकार प्रदान करने का काम करता है, एक बॉडी को निश्चित आकार प्रदान करता है। इस कंकाल के कारण ही व्यक्ति चल पाता है, तो गति प्रदान करने का कार्य करता है। व्यक्ति गति कर पाता है कंकाल के कारण, व्यक्ति को एक प्रॉपर आकार मिलता है उसके कंकाल के कारण। और जो कंकाल होता है मानव शरीर का या फिर किसी भी जीव जंतु का जो कंकाल होता है, वो मानव शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। जैसे हमारा यकृत हो गया, लीवर, हर्ट हो गया, ये कंकाल के अंदर ही सुरक्षित रहता है, नहीं तो इसमें बहुत सारी चोट लगती और ये सही से फंक्शन नहीं कर पाता। तो ये कहाँ रहता है, कंकाल इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो कंकाल का फंक्शन क्या होता है, मानव शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, मानव शरीर को गति प्रदान करना और मानव शरीर को एक प्रॉपर आकार तथा आकृति प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक कंकाल के कार्य हो गए। अब कंकाल तंत्र के प्रकार, कितने प्रकार का कंकाल तंत्र होता है, तो आप बोलोगे सर जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, ये दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक को बोला जाता है अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को हम बोलेंगे एक्सो स्केलेटन सिस्टम और अंतः कंकाल तंत्र को बोलेंगे एंडो स्केलेटन सिस्टम। जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है इसमें तीन चीजें ही आती हैं और इसको ही हम कल डिस्कशन करेंगे। इसका वो कौन कौन सी होती हैं, आपको बस बाह्य कंकाल तंत्र जो है ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, इसको तो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको बाह्य कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र में दो पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर कंकाल तंत्र दो भागों में डिवाइड होता है, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंतः कंकाल तंत्र। बॉडी के अंदर जो कंकाल है उसको बोला जाता है अंतः कंकाल तंत्र। बॉडी जिन हड्डियों से मिलकर बनी है, कार्टिलेज बोन्स जिनसे मिलकर बनी है, मांसपेशियां जिस पसलियां बोलते हैं, रिब्स है ना, तो ये सब इनसे मिलकर बनी है, इनको बोला जाता है अंतः कंकाल तंत्र। और जो बाह्य होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र, जैसे नाखून हो गए, बाल, तो आपको याद रखना है कि जो कंकाल तंत्र होता है वो दो भागों में डिवाइड रहता है। एक कहलाता है बाह्य कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र में जैसे मानव है तो मानव में बाह्य कंकाल तंत्र होगा। आप बोलोगे सर जैसे बाल और नाखून, जिनको काटने से दर्द नहीं होना चाहिए वो बाह्य कंकाल है, क्योंकि इसमें नसें नहीं पाई जाती, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, रक्त का परिसंचरण नहीं होता है। तो आप बोलोगे मानव में बाल और नाखून होते हैं। इसी प्रकार जितने भी जानवर होते हैं है ना, तो आप बोलोगे जानवरों में बोल सकते हैं हम सींग होते हैं, जिन जानवरों में तो सींग जो है वो बाह्य कंकाल है। खुर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो है बाह्य कंकाल में आते हैं। अगर पक्षियों की बात करूं मैं तो पक्षियों में जो पंख होते हैं वो बाह्य कंकाल हैं, या पक्षियों के जो नाखून होते हैं वो बाह्य कंकाल होते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें नाखून और बाल पाए जाते हैं जो बाह्य कंकाल की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कछुआ जो होता है, कछुआ का जो कवर होता है, बाह्य कवच कह सकते हैं, जिस कवच में वो रहता है, तो कछुआ का कवच जो होता है वो बाह्य कंकाल कहलाता है या बाह्य कंकाल की श्रेणी में आता है।
तो कंकाल तंत्र में बाह्य कंकाल हमने पढ़ा कि जो शरीर के बाहर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। और बाह्य कंकाल में कौन कौन से आएंगे, तो आप बोलोगे नाखून और बाल मनुष्यों में है ना, और खुर और सींग जो होते हैं वो जानवरों में होते हैं, और पक्षियों में पंख रहेंगे और नाखून रहेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल होता है जिसे कछुआ कहा जाता है, और कछुआ का जो कवच होता है वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया होगा ये बाह्य कंकाल, ये बहुत कम ही आता है। एक आध बार शायद एक क्वेश्चन आया था कि कछुआ का बाह्य कवच कौन सा कंकाल में आता है, तो बाह्य कंकाल, और इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटा रहा हूँ जो मैं बताता जा रहा हूँ वो। तो ये बाह्य कंकाल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब कंकाल का दूसरा पार्ट जो है, कंकाल तंत्र के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल, दूसरा है अंतः कंकाल। जो अंतः कंकाल होता है एंडोस्केलेटन सिस्टम, इसके खुद के दो प्रकार होते हैं। कंकाल तंत्र के दो प्रकार हैं, बाह्य और अंतः। अंतः कंकाल के दो प्रकार होते हैं, अक्षीय और उपाक्षीय। हिंदी वाले सुनेंगे अक्षीय और उपाक्षीय, और इंग्लिश वाले एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर या फिर अक्षीय और उपाक्षीय, ठीक है ना। अब आपको याद रखना यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा था क्योंकि ये तो बेसिक है, आपको एक बार में सुनने से समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो जो अक्षीय कंकाल है वो 80 बोन होती है, उसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, और उपाक्षीय कंकाल है उसमें होती है 126 हड्डियाँ। तो अक्षीय में 80 हड्डी होती हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अक्षीय बोलो आप, अक्षीय और 80 एक जैसी वो लय मिलती है, जिससे आपको याद हो जाएगा कि अक्षीय कंकाल में 80 और दूसरा बचा है उपाक्षीय, तो 126, क्योंकि 80 और 126 को जोड़ोगे तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। और आपको मालूम है कि वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां ही होती हैं। अगर आप बात करते हो कि बच्चों में, तो बच्चों में 208 होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और अगर आप बोलोगे बिल्कुल नवजात शिशु जिसमें अभी अभी जन्म लिया हो, तो उसमें 300 हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु में होती हैं 300, बच्चों में होती हैं 208, और वयस्कों में होती हैं 206 हड्डियां। याद हो गया कि नहीं, हम वयस्कों की हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो 206 हड्डियों की बात करेंगे। जो अंतः कंकाल है, अंदर वाला कंकाल है, उसमें 206 हड्डियां दो प्रकार से बटी होती हैं। तो आप बोलोगे एक तो अक्षीय कंकाल, एक उपाक्षीय। अंतः कंकाल के पार्ट हैं, अक्षीय में 80 होती हैं और उपाक्षीय में 126 हड्डियां होती हैं। इतना याद हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं अक्षीय कंकाल की, कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां हैं, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं या कौन कौन से पार्ट की हड्डियां आती हैं। तो जो बोन है, आपको याद रखना है कि जो जिसे हम बोलते हैं स्कल या खोपड़ी है ना, खोपड़ी में जो हड्डियां रहती हैं, खोपड़ी में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। खोपड़ी आपको याद रखना है, एक तो गर्दन की हड्डी, और इसके बाद जितनी भी पसलियाँ हैं ये सब आ जाती हैं किसमें, अक्षीय कंकाल में, क्योंकि अक्षीय कंकाल में कितनी होती हैं, 80। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको मैं देखता हूँ, अगर टाइमिंग नहीं होता है तो अभी डिस्कशन कर लूँगा, और टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है 30 मिनट से, तो क्या करेंगे, इसका एक सेकंड पार्ट बना देंगे। तो अभी कोशिश करता हूँ मैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो उपाक्षीय ज़्यादा है। तो उपाक्षीय में कितनी होती हैं, तो अभी बस आपको याद रखना है कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं, और किस किस की हड्डी रहेंगी, तो आप बोलोगे सर जो खोपड़ी है पूरी खोपड़ी की, इसके बाद गर्दन की हड्डी की, और इसके बाद पसलियों की, है ना, ये सारी होती हैं किसमें, अक्षीय कंकाल में। अब हम उपाक्षीय कंकाल की बात करते हैं, जिसको बोला जाता है उपाक्षीय कंकाल। नाम क्या है, उपाक्षीय कंकाल या फिर अपेंडिकुलर है ना स्केलेटन। तो इसमें आपको याद रखना है कि 126 हड्डियां होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ बॉडी के किस किस पार्ट की होती हैं। तो ये मैंने ये लिखा था कि अक्षीय कंकाल जो है उसमें खोपड़ी, पसलियों और रीढ़ की हड्डी ये शामिल हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ, है ना। तो ये अक्षीय कंकाल में 80 हो गई, चलिए अब चलते हैं
आपको बहुत अच्छे से, यहाँ से आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि ये हमारे बॉडी पार्ट की बोन्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए इनके नाम क्या क्या होते हैं, है ना। तभी तो अच्छा पता होगा, तो हमें ये नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और हमारे काम में आएगी क्योंकि हमारे एग्जाम में भी आती हैं, तो इससे डबल फायदा होगा। क्योंकि आप बोल सकते हो कि बताइए ये ऊपरी वाली हड्डी है इसका नाम क्या है जो यहाँ से यहाँ तक होती है, है ना, या फिर यहाँ पर कौन सा जॉइंट होता है, जो जॉइंट हैं जितने भी, इस जॉइंट को क्या बोलेंगे हम, इस जॉइंट को, या फिर ए वाला जॉइंट है इसको क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी, और अगर एग्जाम है तो आपके लिए तो सोने का सुहागा हो रहा है कि सोने पर सुहागा, जिससे कि आपको नॉलेज भी हो जाएगी और एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पूरे हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो बॉडी पार्ट्स की सबसे बड़ी तो आपको मालूम होगा कि फीमर होती है जो कि जांग में होती है, लेकिन हाथ की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, या द लार्जेस्ट बोन ऑफ हैंड तो कौन सी रहेगी, तो अब आपको पता होना चाहिए ह्यूमरस रहती है, वो यहाँ से यहाँ तक रहती है, सबसे अपर पोर्शन ऑफ हैंड, ऊपरी भाग में हाथ के। ऐसे ही पैर के ऊपरी भाग में जो हड्डी होती है वो पूरे बॉडी की, पैर की तो सबसे बड़ी हड्डी है वो, इसके साथ में पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है फीमर। तो अब हमें पढ़ना है कि उपाक्षी कंकाल, तो देखना जो उपाक्षी कंकाल होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, इसमें आपको क्या पढ़ना है 126 हड्डियों के बारे में, ठीक है। अब 126 हड्डियां आप बोलोगे सर 126 हड्डियां हमें बताओ कि कौन कौन सी 126 होती हैं उपाक्षीय में, और जो 80 रहेंगी अक्षीय में वो भी पढ़ेंगे। तो 126 हड्डियों को पढ़ना है, तो इसमें दो पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो बोलते हैं इंग्लिश में लिम्ब्स LIMBS, और एक तो बोलते हैं जो मेखलाएँ होती हैं, है ना, पेक्टोरल ग्रिडल्स बोलते हैं इसको, GIRDLS, ऐसा ही है ना। तो आपको बस लिम्स में आपको क्या याद रखना है कि हाथ और पैर ये दोनों आते हैं इसमें, तो ये कुछ नहीं आपको याद रखना है कि लिम्स में आते हैं किसमें, बस हाथों के बारे में कि आपका उपाक्षी कंकाल है इसमें आपको पता होना चाहिए कि हाथों में कौन सी हड्डी कहाँ होती है, पैरों में कौन सी हड्डी कहाँ होती है। इसके अलावा जो ग्रिडल्स मतलब होता है मेखलाएँ का मतलब होता है एक सॉकेट टाइप का, कि जो हाथ है इतना, ये हाथ यहाँ कहीं ना कहीं तो फिक्स होगा, तो कौन सा सॉकेट बनाने के लिए हड्डियों की जरूरत पड़ी होगी, है ना। ऐसे ही पैर जो हमारा है, अब पैर देखा नहीं सकता, तो पैर है इसके लिए भी कोई ना कोई सॉकेट बना होगा जहाँ पर ये फिक्स होगा, तो उस सॉकेट को बनाने के लिए भी हड्डियों की जरूरत पड़ी होगी। तो जो सॉकेट को बनाने के लिए जिन हड्डियों की जरूरत पड़ती है उनको बोला जाता है मेखलाएँ, या फिर इंग्लिश में ग्रिडल्स। तो हम पढ़ रहे हैं मेखलाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो बोला जाता है अंश मेखला और एक को बोला जाता है श्रेणी मेखला, ठीक है ना। तो एक होती है मेखलाएँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, और मेखलाओं में आपको याद रखना है एक अंश मेखला और एक श्रेणी मेखला, अंश मेखला और श्रेणी मेखला। और लिम्ब्स में आपको याद रखना है हाथ और पैर, ये हाथ और पैर की हड्डी पढ़नी है। तो बस यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हाथों की हड्डियां आपको पता होनी चाहिए सारी, और पैरों की हड्डियां पता होनी चाहिए सारी, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो मेखलाएँ हैं जहाँ पर ये हाथ और पैर अटैच हैं, जो श्रेणी मेखला और अंश मेखला है, जिसको बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल्स और पेल्विक ग्रिडल्स, तो पेक्टोरल और पेल्विक ये आपको याद होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाथों के बारे में। तो आपको याद रखना है कि एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 हड्डियाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 30 हड्डियाँ होंगी, तो 30 और 30 कितनी होंगी 60, 60 बोन्स होती हैं हाथों में, दोनों हाथों में। दोनों पैरों में भी कितनी होती हैं, तो 30 इस पैर में रहेंगी, 30 उस पैर में रहेंगी, टोटल दोनों पैरों में भी कितनी होती हैं 60 हड्डियां होती हैं, या 60 बोन्स होती हैं। तो 60 और 60 हो गई 120, तो 60 पैरों में 30-30, 60 हाथों में 30-30, टोटल हो गई 120। हमें मालूम है कि उपाक्षी कंकाल में हाथ और पैर तो आते हैं, लेकिन टोटल हड्डियाँ होनी चाहिए 126, उपाक्षी कंकाल में 126 आती हैं, तो हाथ और पैर ने मिलकर कितनी कर दी 120 कर दी, क्योंकि 30-30 दोनों हाथों में, 30-30 दोनों पैरों में, टोटल 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 120 हड्डी हो जाती हैं। अब बचे हैं 6 हड्डी, तो आपको याद रखना है कि जो
जिसको बोला जाता है अंश मेखला, ये जो पैर कनेक्टेड होते हैं उसको बोला जाता है श्रेणी मेखला। तो अंश मेखला है ना, अंश मेखला में होती है दो दो हड्डियां, मतलब चार। तो अंश मेखला में होती है चार हड्डियां, जिसको बोला जाता है पेक्टोरल ग्रिडल्स। इनके नाम याद रखना, अंश मेखला या पेक्टोरल ग्रिडल। और दूसरा आपको याद रखना है कि श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला में कौन अटैच होती है, पैर अटैच होती है, उनमें एक एक हड्डी होती है, केवल दो हड्डियां। तो दोनों श्रेणी मेखला में दो हड्डियां होती हैं और दोनों अंश मेखला में चार हड्डियां होती हैं, है ना। तो अंश मेखला को याद रखना है पेक्टोरल ग्रिडल्स, पेक्टोरल याद रखना, अंश मतलब पेक्टोरल, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश आती है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में ज्यादातर टर्मों की, जैसे माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, है ना। तो ये आपको इंग्लिश शब्द हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले तो समझाते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा कि माइकोलॉजी माने कवकों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी माने शैवालों का, वायरोलॉजी माने है ना तो विषाणुओं का, बैक्टीरियोलॉजी माने होता है जीवाणुओं का। तो इस टाइप से एक भी टॉपिक है यहाँ से आते हैं अध्ययन के बारे में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनसे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग अब थोड़ा सा इंग्लिश टर्म पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश ही में सब सारी बोन्स के नाम लिखे हिंदी में है, लेकिन वो इंग्लिश टर्म है, क्योंकि हिंदी तो बड़ी अजीब होती है इनकी और हिंदी के क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ह्यूमरस जो लिखा हुआ है वो लिखा है हिंदी में, लेकिन जो शब्द है वो इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है। जैसे मुझे पढ़ना लिखना है तो पढ़ना मैंने लिखा है रीड, अब मैं रीड को ऐसे लिख दूँ तो आप समझ जाओगे कि इंग्लिश का शब्द है। अगर हिंदी में लिखना होता तो मैं क्या लिखता हूँ, पढ़ना लिखता, है ना। तो मैं रीड लिख रहा हूँ, मतलब तो लिख तो रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। इंग्लिश में लिखता तो ह्यूमरस, आप लिख सकते हो ह्यूमरस को इंग्लिश में। तो देखो यहाँ पर अंश मेखला से हाथ अटैच होते हैं, तो सबसे पहले ये देख लो, ये अंश मेखला है, ये यहाँ से यहाँ तक। और मैंने आपको बताया था कि अंश मेखला को बोला जाता है पेक्टोरल ग्रिडल्स, तो पेक्टोरल याद रखना है पेक्टोरल। और अंश मेखला में कितनी हड्डियां होती हैं, तो दो हड्डियां बताई मैंने कि अंश मेखला होता है ऊपर, आ से अंश याद रख लेना। श्रेणी मेखला आ पहले आता है, तो अंश मेखला पहले आएगा, मतलब हाथों में आ गया, श्रेणी मेखला पैरों में आएगा। तो अंश मेखला मतलब पेक्टोरल ग्रिडल्स में दो हड्डियां होती हैं, दो बेन होती हैं, दो बोन होती हैं जहां पर हाथ अटैच होता है। तो वो दो बोन जो है वो दो बोन ए हैं, इनकी एक एक विशेषता है वो आपको याद रखना है। ये हाथ जहां अटैच है, एक तो होती है कॉलर बोन, जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉलर बोन, या फिर बोला जाता है कॉलर की हड्डी, कॉलर बोन या कॉलर की हड्डी, इसका नाम क्या है, आप बोलोगे कॉलर बोन है, लेकिन इसका टेक्निकल नाम आपको याद रखना है क्लेविकल, क्लेविकल बोन या कॉलर बोन कहा जाता है, ठीक ना, क्लेविकल, सी एल ए वी आई सी एल ए, क्लेविकल बोन या कॉलर बोन। इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है, सुंदरता की हड्डी, क्योंकि जो लोग आपने देखे होंगे रेसलर होते हैं या फिर जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनकी आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो जो यहाँ की बोन है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग दिखता है, यहाँ पर ऊंचा सा, है ना, बहुत हाई होते हैं। तो इसको इसलिए बोला जाता है ब्यूटी बोन, क्या कहा जाता है इसको, सुंदरता की हड्डी या ब्यूटी बोन किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर कॉलर बोन को कहा जाता है, कॉलर बोन को कहा जाता है या क्लेविकल को कहा जाता है, क्योंकि कॉलर बोन का नाम टेक्निकल नाम है क्लेविकल, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो है वो कहलाती है कॉलर बोन या क्लेविकल, और इसकी विशेषता है इसको बोला जाता है ब्यूटी बोन, सुंदरता की हड्डी। जो नीचे वाली बोन है यहां पर, इसको बोला जाता है स्कैपुला, स्कैपुला क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुला। और इसका दूसरी इसकी विशेषता है, इसको बोला जाता है प्लेन बोन या समतल हड्डी। आपसे अगर पूछा जाए कि समतल हड्डी कहाँ पाई जाती है, तब आप बोलोगे तुरंत कि पेक्टोरल ग्रिडल में या अंश मेखला में, है ना। तो ये प्लेन होती है, समतल हड्डी होती है जिसका नाम है, या समतल हड्डी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना चाहिए सर स्कैपुला को समतल हड्डी कहा जाता है, जो कि अंश मेखला का हिस्सा होती है। अब बोलोगे चूंकि अंश मेखला में दो हड्डियां होती हैं, अंश मेखला वो होता है एक सॉकेट होता है जहां पर हाथ अटैच होता है, और अंश मेखला में दो हड्डियां होती हैं, एक तो होती है कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहा जाता है, दूसरी होती है आपकी स्कैपुला जिसको प्लेन बोन कहा जाता है। तो स्कैपुला को बोला जाता है समतल हड्डी, और जो कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहा जाता है उसकी विशेषता है, उसको बोला जाता है ब्यूटी बोन या सुंदरता की हड्डी।
बस इतना याद करना। तो अंश मेखला में कौन कौन सी दुभवन होती हैं उनके नाम भी याद कर लिए कि स्केपुला और क्लेविकल, इनकी विशेषता क्या क्या है तो वो भी याद कर लिए हमने कि स्केपुला को समतल हड्डी कहा जाता है और क्लेविकल को ब्यूटी बोन सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। इतना आपको याद हो गया होगा। अभी जो सॉकेट में जहाँ पे अटैच था उसको हम हटा देते हैं, ये सॉकेट अलग हो गया। अब हम हाथ की बात करते हैं, केवल इस हाथ की। तो हाथ में आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पर, ये याद रखना कि यहाँ कोई हड्डी नहीं होती, देयर इज नो बोन इन नी, है ना। घुटने में हड्डी होती है लेकिन एल्बो जो कोहनी होती है ना, एल्बो में कोई हड्डी नहीं होती है। हाँ, घुटने जो नी है, हमारे घुटने हैं उसमें हड्डी एक होती है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब घुटने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर है ना कोहनी में नहीं होती है। तो आपको याद क्या रखना है, 30 हड्डी देखना है एक बार में, समझना है अच्छे से, समझाऊंगा बताना समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल हाथों तरफ ध्यान दो, वहां पर अपने हाथों तरफ नहीं, इस बोर्ड पर बने हाथों तरफ। यहां से यहां तक एक हड्डी होती है जिसको बोला जाता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस क्या है तो आप बोलोगे सर अंश मेखला से लेकर और एल्बो तक, अंश मेखला से लेकर एल्बो तक की जो हाथ की बोन होती है उसको ही बोला जाता है ह्यूमरस। आप लिख सकते हो उसको ह्यूमरस, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इंग्लिश में HEMURUS, इस टाइप से लिखी रहती है। तो आपको ह्यूमरस इंग्लिश मीडियम वाली भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक बोन है, केवल एक बोन है, उसको बोला जाता है ह्यूमरस। फिर यहाँ से यहाँ तक एक बोन हो गई, फिर आपको याद रखना कि यहाँ से इस कलाई, कलाई जहाँ पे मुड़ रही ना, कलाई के नीचे की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक दो बोन होती हैं। आप टच करोगे तो यहाँ पर दो बोन होती हैं, और पैरों में भी ऐसा होता है कि पैरों के ऊपरी हिस्सा में एक बोन होती है, फिर पैरों में यहाँ से यहाँ तक दो बोन होती है, लेकिन पैरों में यहाँ भी एक बोन होती है, इसमें यहाँ बोन नहीं होती है। तो यहाँ से यहाँ तक एक, इसके बाद यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दो बोन होती हैं, दो हड्डियाँ होती हैं। आप ऐसा हाथ करो अपने, तो जहाँ अंगूठा दिख रहा है उसके ऊपर एक बोन होगी, एक नीचे बोन होगी। तो जो ऊपर वाली बोन है और नीचे वाली बोन है, इनके नाम होते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना, जो ऊपर वाली बोन है इसको कहा जाता है रेडियस, और नीचे वाली बोन है इसको कहा जाता है अल्ना। ऊपर वाली बोन को कहा जाता है रेडियस और नीचे वाली बोन को कहा जाता है अल्ना, याद रखना इसको। तो आप बोलोगे सर ए वाली यहाँ अंगूठे, अंगूठे को लेकर देखो, अंगूठे के साइड में जो आ रही है वो क्या है रेडियस, और नीचे जो आएगी वो क्या है अल्ना। तो देखो यहाँ पर देख सकते हो ये रेडियस है इस साइड वाली, अंगूठे की साइड वाली, और अल्ना है इसके नीचे वाली। तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक कलाई, कलाई से लेके ऊपर तक केवल तीन हड्डियाँ होती हैं, एक होगी यहाँ पर ह्यूमरस, ये अंगूठे की साइड वाली होगी रेडियस, और नीचे वाली होगी अल्ना। अब बात करते हैं कलाई पर। कलाई में जो होती हैं वो आठ हड्डियाँ होती हैं। अब देखना यहाँ पर कलाई में आठ हड्डियाँ होती हैं, मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगा जिससे वीडियो चलाओगे आप तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ए वाला फिगर डायग्राम है ना। यहाँ पर देखना, यहाँ आठ हड्डियाँ देखेंगी आपको, यहाँ लगा दूंगा उस डायग्राम को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसमें कलाई में आपको देखेंगे कितनी हड्डियाँ, कलाई में देखेंगी आठ हड्डियाँ। इसके बाद इस हथेली में देखेंगी आपको, हथेली में दिखेंगी पांच हड्डियाँ, क्योंकि पांच बोन जाती हैं इस एक, इस उंगली के लिए, पांचों उंगलियों के लिए एक एक बोन जाती है। तो हथेली में होती हैं पांच, कलाई में होती हैं आठ, तो आठ और पांच कितनी होंगी 13। इसके बाद जितनी उंगली दिख रही हैं आपको, उंगली देखो टुकड़ों में होती हैं, यहाँ पर आप मोड़ सकते हो उसको, मुड़ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि एक जो उंगली है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, 3, 6, 9, 12, लेकिन 15 नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि अंगूठे में केवल दो हड्डियां होती हैं। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, तो टोटल कितने हो जाएंगे 14। यहां से यहां तक हो जाएंगी 14 हड्डियां। फिर इसके बाद करेंगे, पांच है हथेली में, तो 14 और पांच कितनी हो गई, आप बोलोगे 19, और आठ है यहां पर, कहां पर कलाई मर, तो 19 और आठ कितनी होंगी 27। 27 के बाद दो है यहां से यहां तक, 27 × 2 = 29, और एक है यहाँ से यहाँ तक, तो एक हो गई 30। इनके नाम बहुत ज़रूरी है, तो नाम बड़े सिंपल हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि जो उंगलियों की हड्डी होती हैं, चार पांच हैं, तो 5 × 3 = 15 कर दो, और एक कम कर दो क्योंकि अंगूठी में होती 2, तो 5 × 3 = 15, एक कम कर दिया तो हो गई 14। तो 14 हड्डियाँ जो हैं वो कहलाती हैं उंगलियों की हड्डी, और चाहे पैरों की उंगलियाँ हों
चाहे हाथों की उंगलियां हो, उंगलियों की जो हड्डियां होती हैं उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है फेलेंजेस। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर PHALENGUS, तो फेलेंजेस आपको समझ में आ जाएगा कि फेलेंजेस है ना। इसको देख सकते हो आप कि उंगलियों की हड्डी कितनी होती है, 14 बोन होती हैं, और क्या बोला जाता है इनको, फेलेंजेस कहा जाता है। तो ऐसे याद करना है कि उंगलियों की हड्डी जिसको क्या बोलते हैं, फेलेंजेस कहते हैं, है ना। हम नॉर्मल भाषा में बोलेंगे उंगलियों की हड्डी, लेकिन टेक्निकल भाषा में बोलेंगे हम क्या, फेलेंजेस। कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे सर उंगलियों की हड्डियाँ होती हैं 14, फेलेंजेस होती हैं 14। ये हो गया। अब हम उंगलियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आती है हथेली की हड्डी। फिर पूछा जाएगा बताओ हथेली की हड्डी कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे सर हथेली की हड्डी होती हैं 5। और कलाई की हड्डी कितनी होती हैं, तो कलाई की हड्डी होती हैं 8। तो 5 और 8, अब इनके हमने हथेली की हड्डी, कलाई की हड्डी, ये तो हमने अपनी भाषा में बोला। अब जो 5 होती हैं जिनको हथेली की हड्डी बोलते हैं, 8 होती हैं कलाई की हड्डी, इनको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। कार्पल्स होती हैं कलाई की, तो कहाँ से कलाई और कहाँ से कार्पल्स। और मेटाकार्पल्स आपको याद आ जाएगा कि कलाई की बात हथेली आती है, तो मेटाकार्पल्स जो बड़ा लग रहा शब्द वो केवल 5 होती हैं, कार्पल्स छोटा लग रहा है वो होती है 8। और कार्पल्स मेटाकार्पल्स होती हैं हाथों में, पैरों में होती हैं टार्सल और मेटाटार्सल। इसको ध्यान रखना, अगर टा आ रहा है टा, तो टार्सल और मेटाटार्सल होती हैं पैरों में, जबकि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होती हैं हाथों में। कार्पल्स कहाँ होगी, कलाई में, कितनी होती हैं 8। और मेटाकार्पल्स होती हैं हथेली में, कितनी होती हैं 5। ठीक है, तो इस आपको याद रखना है। यहाँ देखो, देख सकते हो मैंने बनाया है बाखूबी कि यहाँ पर आपको उंगलियों की हड्डी 14 जिसको फेलेंजेस कहते हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं हथेली की जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं, हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स कितनी होती हैं 5। फिर मैंने लिखा है कि कलाई की हड्डी जिसको कार्पल्स कहते हैं वो कितनी होती हैं 8। ठीक है ना, 2 हड्डियाँ यहाँ पर रहेंगी। तो अब आपको हाथ का स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी राय से। अब आप बताना कि आया कि नहीं। फिर से मैं एक बार काउंट कराता हूँ जल्दी से। ह्यूमरस, यहाँ से लेके यहाँ पर एल्बो तक, कोहनी तक, तो ह्यूमरस ये हो गई सबसे बड़ी हड्डी हाथ की। फिर होती है यहाँ पर रेडियस और अल्ना, वैसे है ना ये मैं सबसे बड़ी हड्डी बोल रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई और यहाँ तक रेडियस और अल्ना, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कि सबसे बड़ी हड्डी हाथ की कौन सी होती है, ना कभी क्वेश्चन आता है, क्योंकि है ना हो सकती है बैरी करता हो हाथ के लिए कि रेडियस अल्ना जो है और ह्यूमरस है ना। तो इस पे बस आपको याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक है ह्यूमरस, यहाँ से यहाँ तक जो अंगूठे की साइड में वो रेडियस है, ये अल्ना है। यहाँ पर आपको कार्पल्स याद रखना है, कलाई में कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स हथेली की हड्डी होती हैं 5 होती हैं, और फेलेंजेस जो होती हैं वो होती हैं 14 जो उंगलियों की हड्डी होती हैं। बस बस इसके बाद कुछ नहीं है, आपका हाथ जो है कंप्लीट हो चुका है। कोई भी हड्डी आ जाएगा बता दोगे स्केपुला, तो आप बोलोगे अंश मेखला, जो हाथ जहाँ पर जिस सॉकेट में होता है फिट रहता है उसको बोला जाता है अंश मेखला, है ना, अंश मेखला या पेक्टोरल ग्रिडल। इसमें 2 हड्डियां होती हैं एक अंश मेखला में, दोनों में होती हैं 4, तो एक में 2 होती हैं, तो एक होता है स्केपुला जिसको समतल हड्डी कहा जाता है, दूसरी होती है कॉलर बोन जिसके स्केपुला कहा जाता है, क्लेविकल कहा जाता है, क्या बोलते हैं क्लेविकल। एक होती है स्केपुला जिसको समतल हड्डी कहा जाता है, एक होता है ब्यूटी बोन सुंदरता की हड्डी कहा जाता है कॉलर बोन को, और कॉलर बोन का दूसरा नाम होता है क्लेविकल, तो ये याद रख लेना यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पैरों की, तो पैरों में बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं है ज़्यादा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला था कि हाथों में यहाँ कोहनी में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन घुटने में हड्डी होती है जिसको बोला जाता है पटेला। तो आपको याद रखना कि घुटने की हड्डी पूछा गया है पटेला होती है, घुटने की हड्डी क्या होती है पटेला, है ना। और यहाँ से यहाँ तक मतलब भैया यहाँ पर कहाँ अटैच होगा पैर, तो आप बोलोगे सर अंश मेखला तो ऊपर होता है, श्रेणी मेखला होगा या पेल्विस ग्रिडल होगा, और एक जो पैर अटैच होता है तो एक ही हड्डी की जरूरत पड़ती है पेल्विस ग्रिडल की, है ना, जिसको हिप बोन कहा जाता है, हिप बोन भी कह सकते हो या पेल्विस ग्रिडल कह सकते हो, है ना। तो आप बोलोगे इसमें एक हड्डी होती है, ठीक है ना, किसमें, पेल्विस ग्रिडल में या हिप बोन में। अब इसमें जो अटैच है पैर
उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है फीमर। फीमर जो है पूरे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, जो जांघ की हड्डी कहलाती है। फीमर के बाद यहाँ घुटने की हड्डी आती है जिसको बोला जाता है पटेला। तो यहाँ से यहाँ तक फीमर, तो और फा और पा आपको मालूम है, पा फा बोलते हैं, तो पा फा ये पासी बात से आपको याद रखना है, फीमर और पटेला। इसके बाद यहाँ पे भी, इसके बाद यहाँ पे भी दो हड्डियाँ थी, तो यहाँ पैरों में भी दो हड्डियाँ हैं। यहाँ रेडियस अल्ना थी, यहाँ रेडियस और अल्ना थी। यहाँ आपको याद रखना है टीबिया और फेबुला। वैसे तो याद होगा आपको टीबिया और फेबुला, लेकिन एक बार फिर से याद रखना अच्छे से, अगर जिसको भी याद नहीं है, टीबिया फेबुला। टीबिया ऐसे ही बस सामने वाली जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है टीबिया, और जो पीछे वाली हड्डी होती है उसके बोलते हैं फेबुला। इसको याद कैसे कर सकते हो कि बहुत सारे लोग टीवी को टीवी देखना पसंद करते हो, या बहुत सारे लोग टीवी को अपना फेवरेट इंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं, तो आप कह सकते हो टीवी और फेवरेट से फेबुला याद आ जाएगी, टेबुला फेबुला, टीबिया और फेबुला, ठीक है ना। तो टीबिया फेबुला दोनों याद हो गए होंगे। फीमर पटेला, सबसे पहले आएगी फीमर, फिर आएगी पटेला, फिर यहाँ पे आएगी टीबिया, फिर आएगी फेबुला, टीबी और फेबुला। फिर देखो यहाँ पर, बस यहाँ पर क्या था, आप बोलोगे सर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, बिल्कुल सेम है यहाँ पर, बस अंतर है कि एक हड्डी यहाँ पर नहीं थी तो यहाँ आठ हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पैरों में तो घुटने में हड्डी होगी जिसको बोलते हैं पटेला, तो यहाँ पर जो एड़ी के पास में हड्डियाँ होती हैं वो आठ ना होकर सात हो जाती हैं बस। और जैसे हाथेली की, हाथ की हथेली है उसमें पांच हड्डियाँ थीं, तो पैरों में की पंजे होते हैं तो उसमें भी पांच हड्डियाँ होती हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर कार्पल्स मेटाकार्पल्स कहा जाता है, वहाँ टा से स्टार्ट होगा, टा टा टमाटर का, टार्सल मेटाटार्सल। तो आप बोलोगे टार्सल में कितनी रहेंगी, तो आप बोलोगे सात, लेकिन कार्पल्स में, कार्पल्स हाथों वाली कलाई की होती हैं, कलाई में कार्पल्स कहा जाता है, आठ होती हैं, लेकिन जो टार्सल है वो पैरों की एड़ी में होती हैं वो सात होती हैं। दोनों की हथेली की बात करूं तो ये होती हैं मेटाकार्पल्स, ये होती हैं पांच, तो मेटाटार्सल भी पांच ही होती हैं। इसका नाम फेलेंजस है, तो फेलेंजस वो तो सेम ही नाम है, फेलेंजस फेलेंजस, और दोनों में सेम संख्या होती है चौदह चौदह। तो इस प्रकार ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें आपको एक चीज और याद रख लेना, क्या कि जो यहाँ पर जो सॉकेट होते हैं जहाँ पर ये हाथ जुड़े रहते हैं, जैसे ये वाला हाथ जुड़ा होगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं कौन सा, रिंग एंड बॉल सॉकेट या बॉल एंड रिंग सॉकेट। क्योंकि जो सॉकेट है ऐसा सॉकेट जहाँ पर ये हाथ अटैच है, और इस हाथ को आप पूरा रोटेट कर सकते हो, रोटेट करके देखोगे आपको मालूम होगा कि पूरा रोटेट कर सकते हो, तो इस सॉकेट को बोला जाता है रिंग एंड बॉल सॉकेट। कौन सा, तो रिंग एंड बॉल सॉकेट, ठीक है ना, रिंग एंड बॉल सॉकेट। ये वाला जो सॉकेट होता है, जैसे कि देखो यहां पर जो अटैचमेंट है या पैर अटैच होते हैं, पैर किससे अटैच होंगे, तो आप बोलोगे जो सर पैर अटैच हैं श्रेणी मेखला से, या हाथ अटैच है अंश मेखला से। यहाँ पर जो जो सॉकेट बना हुआ है जहाँ से ये अटैच है वो किस टाइप का है, तो आप बोलोगे वो रिंग एंड बॉल सॉकेट के टाइप का है। फिर मैं बोलूँगा जो यहाँ पर कोहनी होती है या घुटने होते हैं पैरों के, हाथों की कोहनी, इनमें कौन सा सॉकेट रहता है, या इनमें कौन सा जो बोल सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो जैसे रिंग एंड बॉल सॉकेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जाता है हिंज सॉकेट, और इसकी विशेषता होती है कि ये पूरा नहीं मुड़ता है, ये 50 आधा रोटेट होता है। आपने कभी देखा है कि आपने हाथ में बहुत सारा वजन लिया हो तो आपका हाथ रोटेट होकर नीचे चला गया हो, ऐसा नहीं हो सकता है, है ना, मतलब हाथ इसके ज़्यादा रोटेट नहीं हो सकता, इतना होगा कि जैसे नहीं पूरा मुड़ जाए नीचे, है ना। तो यहाँ पर जो सॉकेट होता है उसका नाम है हिंज सॉकेट, HING, या हिंदी में आप ऐसे ही लिख सकते हो हिंज सॉकेट। हिंज सॉकेट कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि कभी कभी आ जाते हैं कि कोहनी में, घुटने में कौन सा सॉकेट है, तो आप बोलोगे हिंज सॉकेट, जबकि यहाँ पर कौन सा है, तो आप बोलोगे अंश मेखला, श्रोणि मेखला से जो हाथ कनेक्टेड रहते हैं, या फिर सीधा पूछ लेंगे कि हाथ और पैर जहाँ कनेक्टेड रहते हैं शरीर में वहाँ कौन सा सॉकेट होता है,
तो आप बोलोगे सर रिंग एंड बॉल सॉकेट रहता है। कौन सा रहता है? रिंग एंड बॉल सॉकेट। तो दोस्तों अभी मैंने वीडियो को रोक लिया था थोड़ा देर के लिए कि मैं चाह रहा था कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दूं क्या इसमें, लेकिन फिर मैंने देखा कि टाइम जो है 35 मिनट समथिंग हो चुके हैं, है ना, 35 मिनट का वीडियो हो चुका है। अब होगा क्या कि जो है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा सर ने बोला है कि थोड़ी सी वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट तक पर्याप्त रहनी चाहिए, 30 के आसपास। तो वो 35 मिनट पहले हो गया, अब मैं 15-20 मिनट और बनाऊंगा तो वो लगभग 50-55 पहुंच जाएगा, है ना। तो इस वजह से अब क्या करते हैं, इसका मजबूरी बस मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बताने वाला था आपको इसमें, लेकिन फिर मैंने देखा कम से कम 20 मिनट चाहिए, जल्दीबाजी में मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो अब आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, सच बोलना बिल्कुल कैसा लगा, कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना, कोई जल्दी फास्ट तो नहीं कर दिया मैंने थोड़ा सा, और बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, है ना। और रही बात वीडियो की, तो आज के लिए सॉरी, वीडियो मैंने बना दिया था, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए फिजिक्स का, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हो रहा था, बार बार बता रहा था कि एक मतलब ऑटोमेटिक जैसे अपलोड करते थे 90% जाके फिर वापस आ जाता था, वो बता रहा था किसी का कॉपी किया हुआ वीडियो है। तो कभी कभी यूट्यूब जो है पगला जाता है, है ना, यूट्यूब को कुछ पता ही नहीं चलता है, कभी 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 कहो फेक डालो किसी का, कॉपी करके डालो तो एक्सेप्ट कर लेता है, कर लेगा, और कभी कभी रियल बना के डालो तब भी बता देता है फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। तो 3 बार करके देखा कोशिश करके, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुआ, तो इस वजह से वो क्या है वीडियो नहीं आ पाया। आप लोग बोल रहे सर वीडियो नहीं बनाया था कल, तो वीडियो बनाया था, अपलोड करने की कोशिश भी की, लेकिन हुआ नहीं था वो प्रॉब्लम की वजह से, तो इसलिए वो वीडियो ही डिलीट कर दिया फिर, है ना। लेकिन हाँ वो फिजिक्स का वीडियो था। तो अब बस मैं आपसे एक बात और बोलूँगा कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना, जिसका नाम है मैथ मस्ती 2.0। और इसका आपको जो भी मैंने अभी तक बताया है आपको कुछ भी अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसकी मेरे पास जो नोट्स रखे हैं, है ना, जो नोट्स रखे हैं देखो यहाँ पर, तो इस नोट्स में आपको दिखेगा नहीं क्योंकि उसके पेज थोड़े वैसे हैं, है ना। तो इसमें आपको फोटो खींच के मैं अगर उस पर डालूंगा टेलीग्राम पर तो आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जिसका नाम है मैथ मस्ती 2.0। क्या याद रखना है, मैथ मस्ती 2.0, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा कोई बात हो तो आप बता सकते हो कि सर क्या है ना टाइमिंग के वजह से, टाइमिंग आपको बता दी गई है कि डेली टाइमिंग के हिसाब से क्लास चलेंगी, तो वैसे वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है ना। और सब कुछ जो भी आपको शेयर करने में आपका मन हो, अगर कुछ गलत भी बोलना हो कि सर ऐसी बात है ऐसा आपको पढ़ाना चाहिए कुछ भी, तो आप बता सकते हो, अपनी मन की इच्छा बता देना, ठीक है ना। थैंक यू।